हेलो गाइज, वेलकम टू विद्या फर्स्ट। मैं हूं सुनील कुमावत और आज से हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, और आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है इसके, वो आज हम कवर करेंगे। जैसे कि कुछ क्वेश्चन सुनने को मिलते हैं कि वाई पीपीसी इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन या कॉनकेव टू ओरिजिन या फिर वाई पीपीसी इज स्ट्रेट लाइन। तो इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। जैसा कि मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो में डिस्कस किया था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में, कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग टू गुड्स फ्रॉम ए गिवन रिसोर्सेस। आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, और आप मान लीजिए आप किसी इकोनॉमी में दो प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब वो प्रोडक्ट एक्स है और वाई है, तो उनके कुछ कॉम्बिनेशंस बनेंगे, और वो कॉम्बिनेशंस को यदि हम एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो उसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि ताकि आपके दिमाग में एक चीज़ बैठ जाए। वो एक चीज़ क्या है? वो एक चीज़ ये है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, दो मिनट के लिए पहले हम ये समझ लेते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, उसके बाद वापस इस टॉपिक पर हम जरूर आएंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। इट मीन्स कि आपको किसी भी चीज़ को पाने के लिए, किसी भी चीज़ को पाने के लिए दूसरी चीज़ को खोना पड़ता है। से फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप 30,000 रुपये की नौकरी पर काम कर रहे हैं, 30,000 रुपये की आपकी तनख्वाह है। अब आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, और वो ऑप्शन है, दो ऑप्शन मिल रहे हैं मान लीजिए आपको, वो एक ऑप्शन मिल रहा है 40,000 रुपये का, और एक ऑप्शन मिल रहा है आपको 50,000 रुपये का। ऑब्वियस सी बात है कि आप 50,000 रुपये वाली जॉब जो है ज्वाइन करेंगे। तो 50,000 रुपये की जॉब ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ा? 40,000 रुपये के ऑफर को जो है ठुकराना पड़ा, या आपको उसको सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो ऑलवेज हम कुछ गेन करते हैं तो हमें कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। तो जब भी हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन में भी ऐसा होगा कि हम कुछ चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी जो कॉस्ट, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, अदर कॉस्ट तो आएगी, लेकिन एक कॉस्ट ऑलवेज इन्वॉल्व रहेगी, जो कि जिसको हम कहीं कैलकुलेट नहीं करते, लेकिन ये होती ज़रूर है। यदि हम एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट में बड़े तौर पर देखें तो कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए दूसरी चीज़ को हमें क्या करना पड़ता है? खोना पड़ता है। तो ऑलवेज देयर इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए दूसरी अपॉर्चुनिटी को खोना पड़ता है, इसलिए उसको बोलते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। इसका यहाँ पर क्या क्या यूज़ है? देखिए, आगे जब जैसे जैसे ये जो पीपीसी आप पढ़ेंगे, तो ये वाली जो बात है ये वाली बात बिल्कुल आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। और वो कैसे होगी वो तो आप ही जाने। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि पीपीसी क्या है। पीपीसी हम लोग पहले बात कर चुके हैं वही, कि जो है हम कुछ चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। मान लीजिए हम वाई की एक यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो हमें जो है एक्स का जो है एक का नुकसान हो जाएगा। फिर हम इसके दो यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो फिर वापस यहाँ पर हमें नुकसान हो जाएगा। फिर हम यदि इसका और प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हमें जो है यहाँ पर नुकसान हो जाएगा। हम इसका और प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हमें और नुकसान हो जाएगा। इट मीन्स ये कि हमें इसको कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ रहा है जी। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि हमें एक चीज़ पाने के लिए दूसरी चीज़ को खोना पड़ रहा है। यदि इनका रेशियो यदि अपन देखें तो देखिए हमें सेक्रीफाइस कितना करना पड़ रहा है। यहाँ पर सेक्रीफाइस हमको करना पड़ रहा है वन, सेक्रीफाइस करना वन के लिए। तो डायरेक्ट चाहें तो सीधे वन लिख दें हम, है ना, वन को वन से डिवाइड करके आएगा वन ही आएगा। फिर आप देखेंगे कि फिर वापस से एक को गेन करने के लिए हमें कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, दो को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो टू को वन से डिवाइड करेंगे आप तो क्या आएगा? टू आएगा। फिर एक और गेन करने के लिए, देखिए यहाँ पर वन वन गेन कर रहे हैं, और यहाँ पर टू टू, पहले वन सेक्रीफाइस किया फिर टू फिर थ्री फिर फोर, तो फिर ये कितना आ जाएगा? ये थ्री आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? फोर आ जाएगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन MRT, कि आपको जो है कोई चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए एक्स को प्रोड्यूस करने, वाई को प्रोड्यूस करने के लिए आपको एक्स को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, और वो सेक्रीफाइस करने की जो रेट है ना, वो रेट बढ़ते हुए जा रही है। अब ऐसी कंडीशन में जो आपने पीपीसी बनाया, तो वो पीपीसी कैसा बना? आपने इसको, आपने आप एक्स और वाई को आप प्लॉट कर लेना, तो ये इस टाइप का कर्व बनेगा। कैसा कर्व बनेगा? इस टाइप का कॉनकेव,
तो पीपीसी इज कॉनकेव टू ओरिजिन। देखिए स्टैंडर्ड जो पीपीसी का फॉर्म है वो यही है, होता यही है, होना भी यही चाहिए यूजुअली। तो वाई पीपीसी इज कॉनकेव का आंसर ये हुआ, पीपीसी इज कॉनकेव, कॉनकेव मतलब ये ऐसा इस टाइप वाला जो कॉनकेव आप समझते हैं ना ऐसे चश्मों में होता है, तो कॉनकेव टू ओरिजिन, ओरिजिन से कॉनकेव है, ये ऐसा शेप है। ऐसा शेप कब हो रहा है, जब एमआरटी क्या है, व्हेन एमआरटी इज इंक्रीजिंग, व्हेन एमआरटी इज इंक्रीजिंग, मार्जिनल रेट ट्रांसफॉर्मेशन इज इंक्रीजिंग। तो आपका क्वेश्चन रहा कि वाई पीपीसी इज, वाई पीपीसी इज कॉनकेव टू ओरिजिन, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वो क्या है, इंक्रीजिंग रेट में है ना, सेक्रीफाइस जो है वो हमें बढ़ते हुए रेट से सेक्रीफाइस यदि होगा तो पीपीसी जो है कॉनकेव होगा। और वैसे भी स्टैंडर्ड पीपीसी जो होता है वो इसी नेचर का होता है। अब सेकंड पॉइंट जो है वो ये हो सकता है कि वाई पीपीसी इज स्ट्रेट लाइन। अब पीपीसी देखो स्ट्रेट लाइन कब हो सकता है, पीपीसी स्ट्रेट लाइन तब हो सकता है जब 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 क्या हो, मैं इसको चेंज करता हूं, जब क्या हो, जब आप देखें कि जब आप प्रोडक्शन मान लीजिए ये 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, ये नहीं, ये प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, अब आपने इसको जैसे ही 2 यूनिट कम की, यहाँ पर 2 यूनिट बढ़ गई, फिर यहाँ 2 यूनिट आपने कम की, यहाँ पर 2 यूनिट और बढ़ गई, फिर 2 यूनिट और कम की, 6 से आप गए 4 पर, तो यहाँ पर ये 2 पर आ गई, सॉरी 6 पर आ गया, फिर 2 यूनिट कम की तो फिर ये जो है 2 यूनिट और बढ़ गई, ये 8 पर आ गया, फिर एम सी डी ई चाहे तो एफ भी कर लेते हैं, ये 0 हुआ तो ये 10 हो गया। यानी कि यहाँ पर आपको एक अलग चीज़ देखने को मिल रही होगी, यहाँ पर अलग चीज़ देखने को क्या मिल रही होगी, यहाँ देखने को ये चीज़ मिल रही है कि दो को पाने के लिए दो को सेक्रीफाइस। यानी कि जो सेक्रीफाइस और गेन का जो रेशियो है वो कैसा है, वो जो है बिल्कुल कांस्टेंट है, दोनों जो है मतलब जितना गेन कर रहे हैं उतना ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो एमआरटी जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग भी नहीं है, एमआरटी क्या है, एमआरटी कांस्टेंट है। यानी कि 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करें तो 2 आएगा, फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, सॉरी 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 और फिर 1, राइट है, या आप 2 भी लिखे तो बात है कि ये तो कांस्टेंट तो है ना। तो एमआरटी क्या है, कांस्टेंट है, 2 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 आ रहा है तो 2 जा रहा है, 2 आ रहा है 2 जा रहा है। तो जब एमआरटी कांस्टेंट होगा तब आप यदि इसको प्लॉट करेंगे, इनको यदि आप प्लॉट करेंगे तो कर्व कैसा बनेगा, कर्व जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा। बना करके देख लेना आप, बराबर एग्जैक्ट इधर बराबर 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 रखेंगे आप तो एक ऐसा कर्व बनेगा, कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा। तो पीपीसी क्या हो गया, ये हो गया पीपीसी स्ट्रेट लाइन। तो वाई पीपीसी इज स्ट्रेट लाइन का आंसर हुआ आपका क्या, पीपीसी स्ट्रेट लाइन बिकॉज एमआरटी इज कांस्टेंट, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि व्हेन एमआरटी इज कांस्टेंट पीपीसी इज स्ट्रेट लाइन, व्हेन एमआरटी इज कांस्टेंट पीपीसी इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हम दो टाइप तो पढ़ चुके हैं, पहला टाइप तो हो गया कि व्हेन पीपीसी इज कॉनकेव, और दूसरा टाइप हम पढ़ चुके हैं कि व्हेन पीपीसी इज स्ट्रेट लाइन। अब हम बात करते हैं व्हेन पीपीसी इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, मतलब पीपीसी का जो शेप है वो कॉन्वेक्स हो, तो ऐसा कब हो सकता है। देखिए जब एमआरटी इंक्रीजिंग है तब तो कॉनकेव, तो जब एमआरटी डिक्रीजिंग हो तब क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स, और जब एमआरटी कॉन्स्टेंट हो तब क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं जब एमआरटी डिक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग हो उससे होगा मतलब जैसे कि मान लीजिए हम 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे और ये 0 थी, अब जैसे ही हमने 1 यूनिट प्रोड्यूस किया तो पहले हमें ज़्यादा नुकसान हुआ, पहले हमें ज़्यादा नुकसान हुआ, मतलब कि मान लीजिए हमने सेक्रीफाइस किया, 4 का सेक्रीफाइस किया तो कितना आ गया, 6, फिर हमने एक यूनिट और प्रोड्यूस की तो क्या हुआ, एक यूनिट और प्रोड्यूस करने से हमें जो है सेक्रीफाइस और ज़्यादा करना पड़ेगा, सॉरी पहले हमने 4 का सेक्रीफाइस किया है, अब हमें सेक्रीफाइस कम करना है, 3 सेक्रीफाइस ही करें तो इट मीन्स 3 प्रोड्यूस कर पाएंगे,
अब सेक्रीफाइस का रेट और कम हो जाएगा, यानी टू ही सेक्रीफाइस करना पड़ेंगे। तो ये हो गया आपका, थ्री से गया टू गया तो बचा वन, ठीक। फिर और कम यानी कि वन गया तो बचा कितना, जीरो। और यहाँ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, टू उसके बाद थ्री उसके बाद फोर, ठीक। आई होप कि आपको शायद समझ में आया हूँ। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यदि आप देखेंगे तो पहले वाले को तो हम छोड़ें, देखिए आप इसको वन को पाने के लिए फोर को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, वन को पाने के लिए फोर को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो देखिए आप फोर को वन से डिवाइड करें तो क्या आएगा, फोर ही आएगा, तो सीधे मैं लिख देता हूँ फोर, ठीक। फिर थ्री को डिवाइड करेंगे आप, और यहाँ गेन कितना कर रहे हैं, वन ही गेन कर रहे हैं, यहाँ पर भी वन ही गेन कर रहे हैं हम, ये जो डिफरेंस है ना इससे मतलब है हमें, ठीक है। तो वन गेन कर रहे हैं थ्री को सेक्रीफाइस करके, तो यहाँ आ जाए थ्री, फिर आ गया टू, फिर आ गया वन, फिर आ गया जीरो, ठीक। तो जो MRT है वो क्या होती जा रही है, ये होते जा रही है डिक्रीज होते जा रही है। ये जो रेशियो है ना, ये रेशियो में क्या है, रेशियो में है चेंज इन सेक्रीफाइस और चेंज इन गेन। तो चेंजेस कितना आ रहा, खाली इसको लेना है आपको। तो MRT इसमें डिक्रीजिंग हो रही है, तो डिक्रीजिंग MRT हो रही है। और अब आप इसको एक्स और वाई को यदि आप यहाँ प्लॉट करेंगे, तो एक्स और वाई को प्लॉट करेंगे तो आप प्लॉट करके देख लेना आप कि इस टाइप का कर्व का शेप बनेगा, किस टाइप का शेप बनेगा, इस टाइप का, PPC इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, इस टाइप का शेप बनेगा, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। तो PPC इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन व्हेन MRT इज डिक्रीजिंग, ठीक। तो आई होप कि आपको तीनों टाइप के जो PPC है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। कॉनकेव कब होगा, जब MRT इंक्रीजिंग, स्ट्रेट लाइन जब MRT कॉन्स्टेंट हो, कॉन्वेक्स जब MRT डिक्रीजिंग हो। अब इससे आपको एक तो ये समझ में आया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, या फिर एक चीज़ को पाने के दूसरी चीज़ को खोना पड़ता है। दूसरी चीज़ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि जब कोई भी दो चीज़, कोई भी दो वेरिएबल जो है, जब उनके जो रेट है वो इंक्रीजिंग रेट हो, मतलब एक को पाने दूसरे को ज़्यादा खोना पड़ रहा है, तो ऐसा कर्व बनना चाहिए। जब कांस्टेंट रेट हो तो ऐसा कर्व बनना चाहिए, और जब डिक्रीजिंग रेट हो तब ऐसा कर्व बनना चाहिए। कोई भी दो वेरिएबल्स हो सकते हैं, ये तो हम शुरुआत अभी सिर्फ एग्जांपल तौर पर जो भी समझ रहे हैं हम। तो ये PPC जो है आपको बाकी वेरिएबल्स को समझने में भी हेल्प करेगा। इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है, आपको जैसे कि आप डिमांड पढ़ेंगे तो डिमांड में भी आपको क्या करना है, उसका शेड्यूल बनाना है, उसका ग्राफ बनाना है। PPC पढ़ रहे हैं, उस शेड्यूल बनाना है, ग्राफ बनाना है, और उसके बारे में प्रेजेंटेशन लिखना है। आगे फिर आप जब सप्लाई पढ़ेंगे तो सप्लाई में भी उसका तरीका यही है, शेड्यूल बनाना है, डायग्राम बनाना है, शेड्यूल बनाना है, डायग्राम बनाना है। और आप जब भी एग्जाम में कोई इसी क्वेश्चन वगैरह लिख रहे हैं तो आप शेड्यूल बनाएं, डायग्राम बनाएं, और उसके बारे में जो उसका डिस्क्रिप्शन है वो लिखें। आप बहुत बेहतर तरीके से आप आंसर को प्रेजेंट कर पाएंगे। आई होप कि आपको PPC क्या है ये क्लियर हुआ होगा, और PPC के थ्री टाइप्स जो है वो आपको क्लियर हुए होंगे। फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, उससे मेरा मुझे मोटिवेशन मिलता है और शायद मैं और अच्छा काम कर पाऊँ, ठीक। तो फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।